हिसार के दलोड़ी गांव के कोरोना पॉजिटिव मामले में एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। इस मामले में युवक को लिफ्ट देने वाले एक व्यक्ति का जिला स्वास्थ्य विभाग के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया की टीम ने पता लगा लिया है। इस व्यक्ति को विभाग ने जांच के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया है और उसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। दलोड़ी निवासी युवक को लिफ्ट देने वाला व्यक्ति हांसी निवासी है और हिसार की एक बड़ी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। अगर ये व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उक्त फैक्ट्री के बहुत से कर्मचारियों को कोरोना जांच में शामिल करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड ने दलोड़ी गांव के युवक को 23 अप्रैल को लिफ्ट दी थी और इसकी जानकारी 5 दिन बाद मंगलवार को मिली है। बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति के बारे में स्वास्थ्य विभाग को कोरोना पॉजिटिव मरीज ने जानकारी नहीं दी थी। इसका पता तो तब लगा जब डॉक्टर पुनिया अपनी टीम के साथ एक दूसरे सब्जी वेंडर को ढूंढ रहे थे जिसने इंडस्ट्रियल एरिया पुल से लेकर सब्जी मंडी चौक तक युवक को लिफ्ट दी थी। कहने का मतलब ये है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज ने हिसार कैंट से सब्जी मंडी हिसार आने तक 2 लोगों से लिफ्ट ली थी, लेकिन जानकारी एक ही व्यक्ति की थी। पहली लिफ्ट उसने हिसार कैंट के पास मारुति गाड़ी से शोरूम से लेकर हुंडई ओरियन के शोरूम तक ली थी। उसके बाद से दलोड़ी निवासी पॉजिटिव मरीज किसके साथ सब्जी मंडी चौक तक लिफ्ट लेकर पहुंचा उसका अब भी पता नहीं लग पाया है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। अब तो बस उक्त सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट का इंतजार करना होगा, उसके रिजल्ट के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। अगर वह पॉजिटिव मिलता है तो उसकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ढूंढकर सबको क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो भी इस सिक्योरिटी गार्ड को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। उसमें अपडेट ये है कि हम जो दरोली वाले ने हमने बताया था कि मैं पैदल आ रहा था पीछे से कैंट से और रास्ते में मैंने एक स्कूटी से लिफ्ट ली थी। उस स्कूटी वाले को ढूंढने के लिए हम कल के लगे हुए थे, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। पहले हम कल शास्त्री नगर में थे, फिर आज हमने CCTV खंगाले, जितने भी उस रोड के CCTV हैं, जिंदल वाला जो अपना बाईपास है वहाँ से लेकर और जिंदल चौक तक, तो हमें फिर जितने भी सैनी स्वीट्स का है, सन सिटी का है, मॉडर्न ऑटोमोबाइल वालों का है, कजरिया टाइल वालों का है, हमने सबके CCTV खंगाले। फिर मैंने सोचा भी ये इस बंदे को ये देखें भी ये बैठा कहाँ से है, पहले ये पैदल कहाँ से आ रहा था। फिर हम पैदल के लिए हम आगे मॉडर्न ये हुंडई मोटर्स के पास, हुंडई मोटर्स वालों से बात की तो उन्होंने हमें दिखाया कि ये जो दरोली वाला युवक है संदीप, और ये 5:35 पे एक बाइक से उतर रहा था। फिर उस बाइक को वाले को ढूंढने के लिए हम फिर जिंदल वाले जो स्टाफ थे उनके पास आए, उनसे पूछा कहीं भाई ये तुम्हारा स्टाफ का तो नहीं, बाई चांस उनसे सभी से सलाह मशवरा करके मिल गया। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो 23 तारीख की बात थी उस बात को 5 दिन हो चुके हैं, और ये फिर यदि ना हम इनको डिटेक्ट करते तो फिर ये परिणाम गंभीर हो जाते हैं। तो अभी क्या इनका मतलब सैंपल लिया जाएगा और सैंपल के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पे आगे की रणनीति होगी? उसके सैंपल के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जारी की जाएगी। तो उसमें अभी क्या है एहतियात के तौर पर जिस फैक्ट्री में ये काम करते थे, क्या वहाँ कुछ एहतियात के तौर पर कुछ डायरेक्शन दी गई है? नहीं, अभी कोई डायरेक्शन नहीं, अभी तो इनका सैंपल लेके आज आइसोलेशन में भेज दिया गया है। उसके बाद इनकी हिस्ट्री देखेंगे भी क्या क्या, यदि कोई जरूरत है, यदि ये पॉजिटिव नहीं आते हैं तो फिर हम इन्हें होम क्वारंटाइन कर देंगे, इनके पूरे घर को, सभी घर वालों के सैंपल ले लेंगे। तो अभी अगर पॉजिटिव नहीं आते तो भी क्या इनको 14 दिन होम क्वारंटाइन रखा जाएगा? होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.